What is the difference between discontinuity and defect? तो फ्रेंड्स डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, कोई भी वेल्डिंग या कोई किसी भी सरफेस के ऊपर, हम वेल्डिंग की ही बात कर लेते हैं, तो किसी भी वेल्डिंग के ऊपर या वेल्डिंग के भीतर कहीं भी अगर कोई इरेगुलरिटी आ गई, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी वेल्डिंग है, वेल्डिंग के अंदर एक ऐसा वॉइड आ गया, या वेल्डिंग के पास में कोई लैक ऑफ फ्यूजन आ गया, या वेल्डिंग के ऊपर कोई पिनहोल आ गया या पोरोसिटी आ गया, तो ये सरफेस इरेगुलरिटी इरेगुलर हो जाएगा। तो कोई भी इरेगुलरिटी जो होगी उसे हम डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, इसे फ्लॉ भी बोल सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं। तो अब डिसकंटिन्यूटी और डिफेक्ट में क्या फर्क है? तो फ्रेंड्स ये कोई भी इरेगुलरिटी या डिसकंटिन्यूटी अगर कोड लिमिट से ज्यादा होती है, कोड लिमिट एक्सीड करती है, एक्सीड करेगी, तो वो डिफेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर कोड लिमिट एक्सेप्ट से ज्यादा हो जाएगा तो वो रिजेक्टेड हो जाएगा, अनएक्सेप्टेबल होगा, और जो रिजेक्टेड होगा उसे ही हम डिफेक्ट बोलेंगे। अगर कोड लिमिट से एक्सीड होगा तो डिफेक्ट बोलेंगे, और अगर कोड लिमिट के अंदर रह गया तो उसे सिर्फ डिसकंटिन्यूटी ही बोलेंगे, और वो रिजेक्ट नहीं होगा, वो एक्सेप्टेबल होगा, वो एक्सेप्टेबल होगा। मतलब अगर एक्सेप्टेबल है तो डिसकंटिन्यूटी रहेगा, अगर वो कोड लिमिट से एक्सीड हो जाता है तो रिजेक्टेड हो जाएगा और उसे रिपेयर करना पड़ेगा और उसे डिफेक्ट हम बोलेंगे। तो हाँ एक चीज हम देखेंगे कि हर एक डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट है वो डिसकंटिन्यूटी होगा, डिसकंटिन्यूटी ही होगा, डिसकंटिन्यूटी डिफेक्ट, हर एक डिफेक्ट डिसकंटिन्यूटी होगा, लेकिन हर डिसकंटिन्यूटी डिफेक्ट नहीं होगा। हर डिफेक्ट डिसकंटिन्यूटी होगा बट हर डिसकंटिन्यूटी डिफेक्ट नहीं हो सकता है। डिसकंटिन्यूटी तभी डिफेक्ट होगा जब वो कोड लिमिट से एक्सीड करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोड ये कहता है कि कोई भी पिन होल का डाया अगर 0.5 mm तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर कोड ने ये कहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हमारा पिन होल 0.3 mm है तो वो डिफेक्ट नहीं कहलाएगा, उसे हम डिसकंटिन्यूटी कहेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अगर हमारा पिन होल का डाया 0.6 mm है, मतलब वो एक्सीड कर रहा है कोड लिमिट से, तो उसको हम डिफेक्ट बोलेंगे और वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, वो या तो रिपेयर करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो कोड लिमिट से एक्सीड होगा तो डिफेक्ट बोलेंगे, कोड लिमिट के अंदर रहेगा तो डिसकंटिन्यूटी ही रहेगा, बस वो डिफेक्ट नहीं होगा। अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? जैसे एक कोड लिमिट हमने कहा, तो हर एक कोड ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर के लिए D1.1 में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मिलेगा। अगर प्रेशर वेसल देख रहे हैं, प्रेशर वेसल है तो उसका कोड ऑफ कंस्ट्रक्शन ASME बॉयलर एंड प्रेशर वेसल BPVC कोड सेक्शन 8 हो सकता है, सेक्शन 8 डिवीजन 1 है, डिवीजन 2 है, डिवीजन 3 है, कोई भी हो सकता है। अगर पाइपलाइन है तो पाइपलाइन के अंदर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको API 1104 में मिल सकता है, ASME 31.3 में मिल सकता है, ASME 31.8 में मिल सकता है, ASME 31.1 पावर पाइपिंग का कोड है, 31.3 प्रेशर पाइपिंग का कोड है, सॉरी प्रोसेस पाइपिंग का कोड है। तो एक्सेप्टेंस लिमिट जो है वो कोड ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से होगा, आप जिस कोड के हिसाब से काम कर रहे हैं उस कोड के हिसाब से उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा, और उस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर है तो उसे डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, और या अगर उस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से एक्सीड कर जाता है हमारा इरेगुलरिटी या डिसकंटिन्यूटी तो उसे हम डिफेक्ट बोलेंगे। तो आई होप आपको यह डिफेक्ट और डिसकंटिन्यूटी के बीच का अंतर समझ में आया होगा, ये कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है।